Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बेसिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे. अगर आपको एक रे गिवन है, उसके इनिशियल पॉइंट पर आपको 90 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है. सो लेट अस बिगिन विद द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट स्टेप है, ड्रॉ अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए. सबसे पहले आपको एक रे बनानी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसपे ए बी आपको उसको नेम करना है और ए उसका इनिशियल पॉइंट होगा. मतलब एक लाइन ड्रॉ करके उसके एक साइड पे आप एरो डालेंगे और जो एरो वाला पार्ट है उसको आप बी मार्क करेंगे और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको आप ए मार्क करेंगे. सो दैट विल बी अ रे ए बी जिसका इनिशियल पॉइंट है ए. अब इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर आपको एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. सो सेकंड स्टेप है, टेकिंग ए एज सेंटर एंड सम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग ए बी एट सी. अब आपको ए को सेंटर मानना है और कोई भी कन्वीनियंट रेडियस अपना कंपास में आपको लेना है. कंपास लेकर कितने भी कन्वीनियंट रेडियस पे आपको कंपास को खोल कर ए पर रख के एक आर्क लगानी है ए बी पर. ठीक है, सो आपका सेंटर होगा ए और वो जो आर्क है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो ए बी को इंटरसेक्ट करे. और जिस पॉइंट पर वो ए बी को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को आप मार्क करेंगे सी. ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेप इज विद सी एज सेंटर एंड सेम रेडियस एज बिफोर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट डी. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब जो सी पॉइंट आपने मार्क किया था ए बी के ऊपर जहां पर आर्क ने इंटरसेक्ट किया था, उसको आप सेंटर लेंगे और जो पिछले स्टेप वाला आपका रेडियस है उसी रेडियस को लेकर आप सी पर रखकर उसी आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए एक और आर्क बनाएंगे. ठीक है, आई विल रिपीट कि पहले आपने जो रेडियस लिया था उतना ही रेडियस रखेंगे आप और सी पॉइंट पर रखकर आप पिछली वाली ही जो आर्क आपने बनाई थी उसी को आप इंटरसेक्ट करेंगे दोबारा, और जहां पर उस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे उसको आप पॉइंट डी का नाम देंगे. ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप, विद डी एज सेंटर एंड सेम रेडियस विच ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द आर्क ड्रॉन इन स्टेप टू एट ई. अब आपको डी को सेंटर मानना है और फिर से वही रेडियस लेना है. मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपने एक ही रेडियस यूज किया है, कंपास को बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं किया. ठीक है, सो वही रेडियस आपको लेना है और वही रेडियस लेकर अब डी पर रखकर आपको उसी आर्क को आगे की तरफ एक और बार इंटरसेक्ट करना है पॉइंट ई पर. तो तीन इंटरसेक्शन हुई. अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं तो पहली है सी, फिर है डी और फिर है ई. ये तीन आर्क्स हमने लगाई और एक ही रेडियस से हमने ये आर्क्स लगाई. नेक्स्ट है, विद डी एंड ई एज सेंटर्स एंड सेम रेडियस, ड्रॉ आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ. अब डी और ई को एक एक करके आपने सेंटर लेना है और कंपास उतनी ही रहेगी आपकी जितनी आपने अभी तक रखी हुई है. सेम रेडियस रखना है, पहले आप डी पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर आप ई पर रखेंगे कंपास को और फिर उसी आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे जो आपने डी पर रखकर बनाई है. तो एक क्रॉस टाइप बन जाएगा आपके पास जिसके ऊपर आप लिखेंगे पॉइंट एफ. इसको हमने एफ का नाम दिया. ठीक है, सो नाउ द लास्ट स्टेप इज टू ज्वाइन ए एफ. ए एफ को आप ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, एक लाइन से स्केल एंड पेंसिल को यूज करते हुए आप ए और एफ को ज्वाइन करके जो आपके पास एंगल बनेगा एफ ए बी, दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये एंगल इनिशियल पॉइंट ए के ऊपर बन रहा है और अगर आप चेक करेंगे अपने डी यूज करके तो उसमें आप देखेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, सो द एंगल एफ ए बी इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री.